हजूर, अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, जब आप नमाज़ पढ़े हो, आप दुआ कर सकते हो कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स हो जाए, मैं इतने नफल पढ़ूंगी। तो फिर हाँ, अगर ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मियाँ से ये मांगो कि अल्लाह मियाँ मुझे अच्छे मार्क्स भी दे दे, पास भी कर दे। हैं, ठीक है, हम तो नफल नफल क्या नफल पढ़ने की अगर तुम कहते हो तो नेकी की बात ही कर रही हो ना, तो फिर नफल पढ़ने अगर अल्लाह मियाँ से वादा किया है किसी बात का, फिर उसको पूरा भी करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसलिए पहले तो अल्लाह मियाँ से इतना इतने इतने नफल बात मानी चाहिए, इतना वादा करना चाहिए जितना तुम पूरा कर सको। तुम अगर कह दो कि मैंने 1,000 1,000 नफल पढ़ने हैं, तो तुम 6 महीने साल पढ़ती रहोगी, फिर थक जाओगी, फिर कह दो कि मैंने नहीं पढ़ने। इसलिए पहले ही सोच के मांगो अल्लाह मियाँ से, ठीक है, अल्लाह मियाँ सुनता है। एक दफ़ा इसी तरह मुझे एक पेपर में लगा कि मैंने पास नहीं होना है, मैं पास नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे पेपर बहुत ख़राब हुआ था। तो मैंने दुआ की, लेकिन ये नहीं मैंने अल्लाह में कहा कि मैं नफल पढ़ूंगा इतने, बस मैं रोज़ाना दुआ करता था जब तक रिज़ल्ट नहीं आया 2 महीने, बड़ी ज़ोर से हैं। तो मुझे क्योंकि सेकेंडरी बोर्ड का इम्तिहान था, तो वो पेपर सारों के लिए मुश्किल था, इसलिए ना जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड था, उन्होंने फ़ैसला किया कि ग्रेस मार्क्स सारे को 20 नंबर दिए जाएं। तो वो 20 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए तो मैं पास हो गया, तो मैं तो समझता हूँ मेरी दुआ से सारों का फ़ायदा हो गया। ठीक है, दुआ कबूल होती है इस तरह, इसलिए अगर कोई वादा भी करना है ना दुआ कबूल करवाने के बाद, तो पूरा करना चाहिए, इतना वादा करो जो तुम पूरा कर सकती हो, और अगर बड़ा कर लिया तो फिर चाहे मुश्किल में पड़ जाओ फिर भी पूरा करना है। चलो, एक सवाल और।